राजवीर सिंह यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे आज यहाँ पर प्रसुत रोड पर जो मान फाइनेंस कंपनी के माध्यम से जो कार्य चला हुआ है इसके बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आज मान फाइनेंस कंपनी के माध्यम से जो भोजन वितरण का कार्य चला हुआ है कैसी क्या व्यवस्था रही है? देखो, राष्ट्रीय आपदा को देखते हुए किसी कोई भी किसी प्रकार कोई भूखा ना रहे और हम सोशल डिस्टेंस को बना करके ये मेंटेन करके और इनको यही संदेश देते हैं कि भी किसी प्रकार का सोशल डिस्टेंस को ना तोड़ें, जो ये चैन है इसको तोड़ने नहीं है। दूसरा ये बात है कि यहाँ पे जो भाई वंचित रह रहे जिसको खाना नहीं मिल रहा, तो मान साहब का अथक प्रयास रहा है कि भी एक सामाजिक होने के नाते भी इस मामले में ज़्यादा से ज़्यादा हर आदमी के हर उस बच्चों के पास खाने के लिए मिले और खाना खाने के लिए पहुँचे। और इस बात का भी है कि इसके साथ साथ हम जो मान साहब ये बांट रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, सैनिटाइजर दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी पहल और बहुत अच्छा काम है इनका जो एक सामाजिक संस्था है उसका किया जाना चाहिए। सर ये जो लोगों की जो अफवाह भरी जो पोस्टें होती हैं इनके बारे में क्या कहेंगे? जो लोग काफ़ी पोस्टें ऐसी करते हैं जिससे कि देखो पहले समय था कि लोग बागों को समझाना, लेकिन अब सरकार ने सख्त हिदायत दे रखी है कि भी जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाए उनके खिलाफ और सख्ताई से निपटा जाए। समझाने का समय चला गया, अब तो सख्ताई से काम लिया जाएगा, सख्ताई से निपटा जाएगा इनसे। धन्यवाद। जो भी इस लॉकडाउन का उल्लंघन करता है, जो इसका उल्लंघन जो तोड़ता है कानून को, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और ये स्पष्ट निर्देश है सरकार के कि समझाने का वक्त चला गया है, अब इनके सख्ताई से काम लिया जाए। तो मेरा सभी पानीपत वासियों से अनुरोध है कि लॉकडाउन को जितने दिन भी है लॉकडाउन उसको मद्देनजर रखते हुए आप अपना सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए, कम से कम बाहर निकलिए, घर में रहिए। किसी को असेंशियल सर्विस या किसी की जरूरत है तभी वो बाहर निकले, अन्यथा वो अपने घर में ही रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता घर में रहने से। और ये एक राष्ट्रीय आपदा को देखते हुए कि ये बीमारी फैलेना, इसका मेंटेन करना हमने बहुत जरूरी है। धन्यवाद। सर एक बात और, जैसे शुरू में जब लॉकडाउन हुआ था तो उस टाइम जो काफ़ी घटनाएं ऐसी आ रही थी, लोग घरों से बाहर निकले थे, अब जाकर काफ़ी अंकुश लगा है, इसके बारे में क्या कहना? देखो इस बारे में मीडिया के माध्यम से भी और वैसे भी और सरकार भी हर आदमी को जागरूक कर दिया, समझा दिया, बता दिया, चाहे वो टीवी के माध्यम से हर तरह से उनको समझाया गया। तो मैंने पहले भी कहा कि जब समझाने का टाइम था वो चला गया, अब तो सख्ताई से निपटा जाएगा। सभी इस बारे में फॉलो भी कर रहे हैं और जहाँ पानीपत की बात है, जहाँ शहर है, तो वहाँ काफ़ी लॉकडाउन का 99% लॉकडाउन को सफल बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। राजवीर सिंह जी यादव हमारे साथ मौजूद थे, सिटी SHO है पानीपत के, और इन्होंने बताया कि किस प्रकार लॉकडाउन का लोग पालन करें, और जो लोग इसके बाहर निकल रहे हैं अभी भी नहीं समझ रहे तो उनके खिलाफ जो है कि काफ़ी ज़बरदस्त कार्रवाई होगी। बने रहे मेरे साथ ग्राउंड मीडिया से, मैं धर्मेंद्र। कहाँ रहते हो? कौन से वार्ड का लिख रहे हो आप? वार्ड नंबर 3। 3। 3 नंबर का। कहाँ रहते हो? ये जो आप डिटेल लिख रहे हो सभी को प्रॉपर खाना पहुंच रहा है? हाँ जी पहुंच रहा है। तो आप कौन से वार्ड का लिख रहे हो अभी? एक वार्ड का। एक वार्ड से कितने लोगों की रिक्वायरमेंट अभी तक आ चुकी है? कम से कम मुझे 300-350 लोगों की रिक्वायरमेंट आ चुकी है, भिजवा चुके हैं, खाना डिलीवर हो चुका है। देख सकते हैं आप। हाँ भाई सर। हाँ जी भाई सर। कौन से वार्ड का लिख रहे हो आप? वार्ड नंबर क्या है? वार्ड नंबर 1 का। हाँ जी। वार्ड नंबर 1 की क्या पोजीशन है अभी? कितने खाने पहुंच चुके हैं? कितने को अभी पहुंच गए होंगे? 400-500 पहुंच चुके।
ठीक है जी, आप देख सकते हैं सचदेवा गार्डन से आप देख रहे हैं कि जो डेयर सच्चा सौदा के साथ मिलकर के जो लोगों ने ठान लिया है उन लोगों तक राशन पहुंचाने का जो कार्य है और निरंतर वो पहुंचाया जा रहा है। अब ये कह रहा कर राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।